भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां संविदा कर्मचारियों ने सुंदरकांड किया है। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के निवास पर सुंदरकांड किया गया। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की गई है। भोपाल में संविदा कर्मचारियों ने सुंदरकांड किया है। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के निवास पर यह सुंदरकांड किया गया। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की गई। भोपाल में संविदा कर्मचारियों ने सुंदरकांड किया है। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के निवास पर सुंदरकांड किया गया। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की गई है। हमारे सहयोगी आकाश सेन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुंदरकांड किया गया राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के निवास पर संविदा कर्मचारियों को द्वारा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा, लंबे समय से जो संविदा कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज इसी क्रम में जो है संविदा कर्मचारियों ने जो मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री है उनके निवास पर जो है सुंदरकांड का आयोजन किया। यहाँ पर उन्होंने सुंदरकांड किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि जो उनकी मांगे हैं उनका निराकरण जो है जल्द से जल्द सरकार करे, और इसको लेकर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जो है सद्बुद्धि दिए जाने की मांग जो है प्रार्थना की है ईश्वर से कि जो मंत्री हैं विधायक हैं उनको जो है सद्बुद्धि दे, जिससे जो संविदा कर्मचारी जो न्यायोचित मांग कर रहे हैं लंबे समय से उनको नियमित किए जाने की वो मांग पूरी हो सके। और इसको लेकर इसके पहले भी संविदा कर्मचारियों ने जो है घंटी बजाकर प्रदर्शन किया था, और इसी क्रम में आज जो है सुंदर का जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है विधायकों के निवास पर जाकर और जो मंत्री है उनके निवास पर जाकर संविदा कर्मचारियों ने संभागवार जो है इस तरीके का सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया है और एक तरीके से विरोध भी जताया है और ईश्वर से प्रार्थना की।